I'm back with an amazing video of Clash of Clans. Guys, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप Clash of Clans में मल्टीपल अकाउंट्स को प्ले कर सकते हो। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि कैसे आपको मल्टीपल अकाउंट्स को प्ले करना है, बट ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको इसके बारे में नहीं पता। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप COC में मल्टीपल अकाउंट्स को प्ले कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है, आप उसको लॉग इन करना चाहते हो, वो भी आपको बता दूंगा। अगर आपके पास कोई सेकंड अकाउंट नहीं है, आप न्यू अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हो एंड चाहते हो कि आपके पास भी मल्टीपल अकाउंट्स हो, तो वो भी आपको मैं सिखा दूंगा। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड आप चैनल के साथ कनेक्टेड रह पाए। 11K सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करने हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले उनके लिए बता देता हूँ जिनके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है, वो अपने अकाउंट को लॉगिन करके प्ले करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे जो एरो का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से बेसिकली आप अपने अकाउंट को स्विच कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखो, ये मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं, ये सारे अकाउंट्स मुझे शो हो रहे हैं। अगर आप भी ऐसी मल्टीपल अकाउंट्स को प्ले करना चाहते हो तो आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। इधर नीचे की साइड आप देख सकते हो कि लॉगिन टू सुपरसेल आईडी का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपनी सुपरसेल आईडी यहाँ पे फिल करनी है, जो कि आपके क्लैश ऑफ क्लैंस के अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। तो मेरे पास एक ऐसा ही अकाउंट पड़ा है, टाउन हॉल 13 का रश्ड अकाउंट है, तो वो आपको मैं लॉगिन करके शो करता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसकी जीमेल आईडी को फिल कर देता हूँ। जीमेल आईडी जैसे आप फिल करोगे, तो जो आपकी आईडी है उसके ऊपर आपका कोड आएगा, तो आपको उस कोड को फिल करना है एंड जो आपकी आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी। यहाँ आपको ओटीपी को फिल करके सबमिट कर देना है। दैट्स ऑल। इतना करने से जो आपकी आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी एंड इस टाइप से आप मल्टीपल अकाउंट्स को प्ले कर सकते हो। एंड अभी उनके लिए बता देता हूँ जिनके पास ऑलरेडी कोई और अकाउंट नहीं है एंड वो न्यू अकाउंट को क्रिएट करके मल्टीपल अकाउंट्स को प्ले करना चाहते हैं, तो आपको बताऊंगा कि आप न्यू अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड जिस अकाउंट को आपने एक बार लॉग इन कर लिया, उसको स्विच करना बहुत ईजी रहता है। आपको पहले भी बता दिया, एरो के बटन के ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो शो होंगे। अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, वो बताता हूँ, कनेक्टेड के ऊपर आपको क्लिक करना है। कनेक्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर एक और सेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा एंड यहाँ पे आपको करना है प्ले विदाउट सुपरसेल आईडी। प्ले विदाउट सुपरसेल आईडी करने के बाद आपको एक न्यू अकाउंट शो होगा। जब भी आप कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको ट्यूटोरियल प्ले करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको ये ट्यूटोरियल मैं फास्ट फॉरवर्ड करके शो कर देता हूँ। आपको भी इस ट्यूटोरियल को प्ले करना है एंड इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, जब भी आप कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको उसको सुपरसेल आईडी के साथ जरूर से कनेक्ट कर लेना है, तभी आप अपने अकाउंट्स को स्विच कर पाओगे। एंड वैसे भी अगर आप अपनी आईडी को सुपरसेल अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं करोगे तो आपका जो भी प्रोग्रेस है वो लॉस हो जाएगा, इसलिए आपको कनेक्ट जरूर से कर लेना है, ताकि जो आपका प्रोग्रेस है वो सेफ रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अकाउंट का नेम यहाँ पे रख के डन कर देते हैं। तो इसी के साथ में लास्ट स्टेप यहाँ पे जो बचा है वो है कि टाउन हॉल 3 अपने को करना है। टाउन हॉल 3 भी मैंने कर दिया, तो इसी के साथ में जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अभी अपने को इस अकाउंट को सुपरसेल आईडी के साथ कनेक्ट भी करना है, वरना जो प्रोग्रेस है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो ऊपर आपको देख सकते हो डिस्कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करके आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, स्किप भी आप कर सकते हो। तो इतना करने के बाद आपको इधर देखना है कि आपको रजिस्टर नाउ का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना। वो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसको लॉगिन करने के लिए होता है, आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको किसी भी न्यू सुपरसेल आईडी के साथ जो ऑलरेडी किसी अकाउंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, कोई भी जीमेल अकाउंट फिल करके आपको कंफर्म कर देना है। एंड जैसे आप जीमेल अकाउंट को फिल करके कंफर्म करते हो तो आपको उसी जीमेल अकाउंट के ऊपर ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी फिल करना है। इसी के साथ में जो आपका अकाउंट है वो सुपरसेल आईडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैं तो उस अकाउंट को कनेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफी सारे अकाउंट्स हैं। तो आपको मैंने बता दिया, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप उस अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है, आप न्यू अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हो, तो वो भी मैंने बता दिया। एंड फिर आप अपने अकाउंट्स को स्विच कैसे कर सकते हो, आपको कंप्लीट प्रोसेस मैंने समझा दिया है। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM भी कर सकते हैं, मैं श्योरली आपको हेल्प करने की ट्राई करूंगा। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे DM कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वॉल पे प्रेस कर देना, क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैंस से रिलेटेड ऐसी हेल्पफुल एंड अमेजिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।